हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम फ्लिपकार्ट को यूज़ करके फ्री में शॉपिंग कर सकते हैं और हम सुपर कॉइन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ओपन करनी होगी अपनी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन। उसको ओपन करने के बाद हम क्लिक करेंगे सुपर कॉइन्स पे। सुपर कॉइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास 172 कॉइन्स हैं, सुपर कॉइन्स हैं जो मैंने शॉपिंग करके अर्न किए हैं, तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्लिक करेंगे यूज़ कॉइन्स पे। यूज़ कॉइन्स पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 1 रुपी, 49 रुपी, 99 रुपी और 199 का रुपी का स्टोर है। यहाँ पे हम 1 रुपी स्टोर को यूज़ करके आज शॉपिंग करेंगे, अपने सुपर कॉइन्स को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ परचेज़ कर रही हूँ एक ट्राईपॉड जिसका अमाउंट है 451। उस पर क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि उसका जो प्राइस है 451 है, रियल प्राइस है जो, और इसको हम 1 रुपी में परचेज़ करेंगे। बाकी हम पे करेंगे अपने सुपर कॉइन से 450, बट मेरे पास 172 ही कॉइन्स हैं तो वो उतना अमाउंट जो है मेरे परचेजिंग में से डिडक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम क्लिक करेंगे पे यूजिंग सुपर कॉइन्स पे। सुपर कॉइन्स पे क्लिक करने के बाद मेरे 172 रुपीज़ के जो कॉइन्स थे वो उसमें से डिडक्ट हो गए हैं और मुझे सिर्फ पे करना है 279। 279 में मैं यहाँ पे ट्राईपॉड को परचेज़ कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद कॉन्टिन्यू पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपना अमाउंट पे कर सकते हैं। आप गूगल पे से, UPI वॉलेट, कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसे भी पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गूगल पे UPI से। और देन क्लिक ऑन कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम जो अपना अमाउंट है वो पे कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो।